स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से ये समझ में आ रहा था कि सरफेस प्लेन होगा, है ना। हाँ ऐसे ही स्फेरिकल मिरर से समझ में आता है सरफेस स्फेरिकल होगा या फिर क्या होगा, कर्व्ड होगा, है ना। वक्राकार हिंदी में बोलते हैं, वक्र होगा, टेढ़ा होगा, ऐसे कर लो, जैसे कि ऐसे होगा, कैसे होगा, जैसे भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। जैसे एक लड़का ने मुझसे एक सवाल किया था, जैसे मान लीजिए सर ऐसे है, तो सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। हम कह चल आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब मिरर तुमको मतलब यहाँ से जब इमेज उमेज खींचना होगा तो तुमको इसको उल्टा करके रखना पड़ेगा, मतलब इसको इसको ऐसे करके रखना पड़ेगा। हाँ पेंटिंग तो तुम्हारी मर्जी, तुम किधर से भी करके उसको मिरर बना लो, लेकिन कंडीशन ये यस है कि आपको इसको घुमा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि रे हमेशा बाएं साइड से डाली जाती हैं। ठीक है, क्यों दाहिने से नहीं डाल सकते? जैसे स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छा हाँ, स्टैंडर्ड तरीका, कोई प्रेशर नहीं है। अगर कोई चाहे बाएं दाएं दाएं से कर ले, ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन सारी किताबें जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, सारे जो राइटर साइंटिस्ट जो फॉलो करते हैं, जितने ऑथर हैं वो फॉलो करते हैं, तो हम लोग को क्या ज़रूरत है कि एक उल्टी गंगा बहाएं, है कि नहीं। तो स्फेरिकल सरफेस ऐसा ही, ऐसा मिरर जिसका सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, कर्व्ड हो, है ना, उसको हम लोग हाँ स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अच्छा, बनता कैसे? अच्छा, एक चीज़ जानते हो, सर्किल और स्फेयर में डिफरेंस पता है? किसमें? सर्किल और स्फेयर में, हाँ हाँ, एक दिन हम इस लोग, टाइप में वॉल्यूम होता है, सर्किल में वॉल्यूम नहीं होता है। हाँ बहुत बढ़िया, इसमें वॉल्यूम होता है, इसमें वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि ये नहीं टू डी मतलब डायग्राम है, ये टू डी हाँ ये ऑब्जेक्ट है 3D है। सर्किल, हाँ ये 3D है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, अभी हम लोग जस्ट, तुम चौथा चैप्टर बोली थी ना, चौथा चैप्टर क्या है शायद हमको लग रहा, सीक्वेंस सीरीज है, नहीं क्वाड्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चौथा। मैथ्स में। हाँ हाँ मैथ्स में ही ना। हाँ मैथ में ही, हाँ क्वाड्रेटिक नहीं इक्वेशन चौथा वो नहीं है मुझे लग रहा है, देखना तुम फिर से देखो, तो पढ़ रहे हैं हम लोग वही स्कूल फिर से देखो ना एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको लग रहा है तीसरा है। देखो एक बार, देख के फट से बताओ। क्लास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर वही सीक्वेंस सीरीज वाला होगा, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। चौथा, तीसरा कौन सा है, चौथा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, और उसके पहले दूसरा कौन सा है, पॉलिनोमियल यार तुम्हारे में सीक्वेंस ठीक नहीं दिया है क्या, रुको मैं देखूं, क्योंकि एनसीईआरटी, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा यार ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो और बढ़िया चीज़ें बड़ी जल्दी समझ में आएगा ना, थोड़ा सा उसके पहले हम एक इंट्रो ले लेंगे लोग बढ़िया सा, है ना, कि मतलब वेरिएबल्स कांस्टेंट उनके बीच में रिलेशन ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थ्योरेटिकली पढ़ना, जैसे मैं थ्योरेटिकली किसी चीज़ को क्यों पढ़ाता हूँ, डू यू नो इट, उसका रीजन है कि जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो टीचर पढ़ाएगा तो वो तुमको इस तरह छोटे क्लासों को बच्चों की तरह नहीं समझाएगा, वो डायरेक्ट टेक्निकल टर्म यूज़ करेगा, और बार बार टेक्निकल टर्म यूज़ करके कोई भी चीज़ बोलना बोलेगा कि मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विच इज एल्जेब्रिक फंक्शन, वो ये नहीं कहेगा डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस x प्लस 1, ऐसा नहीं बोलेगा वो, ठीक है, उस टाइम बोलेगा तो हवे नहीं लगता है, तो समझ ही नहीं आता कि पॉलीनोमियल फंक्शन क्या, फंक्शन ही नहीं समझ में आता बच्चों को, तो वहाँ पर दिक्कत ना हो। अब चूंकि उस तरह पढ़ोगे ना तो चीज़ें भूलती नहीं है ना, हाँ शायद पांचवा क्वाड्रेटिक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए पीछे का चलो दिक्कत भी नहीं होगा पढ़ने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन तो नया होता है चैप्टर, तो देखने में बच्चों को अजीब लगता है, लेकिन उसको अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, है ना, सो देट अलग ना लगे। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका सरफेस कर्व्ड हो या फिर स्फेरिकल हो, कर वही दोनों का सेम मतलब है ना, हाँ दोनों का सेम मतलब है। अच्छा ये समझ में आता है तुमको, तो ये स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे आता है ना, इमेजिन करो एक गोला है ना, स्फेयर है,
अब हम क्या करते हैं इसको, है ना, बिग टू बी वेरी प्रिसाइज, मान लो यहाँ पर देखो काटना बहुत पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन मान लो इधर से हम कट कर दे रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। कट करने के बाद ये वाला पीस अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, सामने से देखेंगे इसको, है ना, सामने इन द सेंस या तो इधर से देखें या तो इधर से देखें, तो ऐसे मतलब एक सर्कल की तरह दिखेगा, राइट। बेसिकली सर्कल की तरह भी नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट इसका फिगर होना चाहिए, डायग्राम ऐसे सर्कल की तरह बनेगा, ये मतलब प्लेट की तरह दिखेगा, घर में जो प्लेट होता है ना उस टाइप दिखेगा, लेकिन यूनिफॉर्म होगा वो, है ना। ऐसे ही इसको काट के अगर ले आकर यहाँ रखें तो अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, है, और यहाँ से या फिर यहाँ से देखेंगे तो ऐसे ही गोल दिखेगा, सेम इसी की तरह। तो पूछे स्फेरिकल मिरर, तो पहले डिफाइन कर सकते हो कि जिसका सरफेस कर्व्ड हो या फिर स्फेरिकल हो, राइट। और ये बनता कैसे है, इसके बाद जस्ट लिख देना, है ना, कि ये किसी मतलब स्फेयर का, ये वो भी ग्लास, ये मतलब मान लो ये ऐसा स्फेयर है जो ग्लास का है या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का है, जैसे प्लास्टिक, है ना। हर प्लास्टिक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन जो बहुत सारे प्लास्टिक जैसे फाइबर यूज होते हैं ना ग्लास में, चश्मे में, तो वो कंप्लीटली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो उस तरह का अगर मान लो किसी के पास ये सब फेयर है ना, उसको हम लोग काट दे रहे हैं या फिर ग्लास है उसको काट दे रहे हैं, उसके काटने के बाद किसी एक पार्ट को जैसे ऐसे काट लिए हैं, काटने के बाद ये तो चूंकि आर पार दिख रहा होगा, ग्लास है या फिर ये प्लास्टिक है तो आर पार दिख रहा होगा, राइट, आर पार दिख रहा है ना, बोलो भाई, जैसे या एग्जैक्ट इमेजिन करो, ये तो आर पार दिखेगा ना इसके, अगर यहां से हाँ काट लिए आर पार दिखे, जाहिर सी बात है, तो यहां से रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, होगा नो सर नहीं होगा, क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है, कंपलसरी नहीं है कि ओपैक से हो, जहाँ मतलब दो मीडियम हो, जैसे मान लो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, नीचे पानी हो, है ना, और यहाँ से लाइट रे पड़े तो ये लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, पता है ये, नहीं पता है यस मतलब, सर हाँ नहीं भी पता होगा तो मैं बताऊंगा, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये दो मीडियम है, M1 M2, तो इसमें क्या होता है अक्सर आर पार चली जाती है ना रे, ये रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई दो मीडियम है और लाइट मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आर पार निकले, कभी कभी पूरा लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसके बारे में है ना इधर डिटेल में चर्चा करेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, पहले यहाँ आते हैं। तो अब करते क्या हैं, ये जो पार्ट काट के लाए इसका पेंटिंग कर देते हैं एक साइड से, मान लो इस साइड पेंटिंग कर दी है, तो सामने का साइड मान लो ऐसे है, अब यहां से रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, राइट, रिफ्लेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस तो ऐसे ही ये बनाया जाता है। अब देखो हाँ डिपेंडिंग अपॉन द पेंटिंग, और ये फिर कह सकते हो जो भी मतलब इस पे सब्सटेंस हम लोग जब लगाते हैं ना, ये दो तरह का हो सकता है, मान लो अगर इस साइड पेंटिंग कर दें, ठीक, या फिर इस साइड पेंटिंग कर दें, अगर इनर पार्ट में पेंटिंग हो, हाँ, और आउटर पार्ट में क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, क्या हो, आउटर पार्ट में रिफ्लेक्शन हो, तो वो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर, और कौन हाँ कॉन्वेक्स मिरर, और अगर इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन हो और आउटर पार्ट को पेंट कर दिया जाए तो यहाँ बनेगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। रहा हाँ अगर ये भूल जाए तो एक चीज़ याद रखना, ये केव की तरह दिख रहा है, रे इधर से आ रही है तो ये केव की तरह दिख रहा हाँ है, इसीलिए कॉनकेव है, अगर नहीं दिख रहा है तो कॉनवेक्स है, ठीक है, आसान तरीका है। अच्छा अब देख लेते हैं, इमेज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, राइट, या फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यस उसके बाद इमेज पढ़ते हैं, ताकि इमेज ड्रॉ करने में आसानी होगा, क्यों ठीक रहेगा। तो डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में हेडिंग हाँ डालना, ठीक है, पेन चेंज करने तो बड़ा मजा आएगा, डेफिनेशन रिलेटेड टू
स्फेरिकल मिरर। अब धीरे धीरे इस पर भी ना हाथ बढ़िया से चलने लग रहा है, पहले बहुत गंदा लिखते थे, देखते थे ना तुम लोग। इस पर भी अब ठीक ठाक हाथ चल रहा है। कोई भी नया लिखेगा तो इस पर खराब ही चलेगा ना, कुछ लोग तो जिंदगी भर इस पर लिखते ही रह जाते हैं लेकिन खराब ही होता है, ठीक है, सही नहीं हो पाता है। तो देखो एक एक टर्म को हम लोग अच्छे से क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं अपर्चर। डिफाइन कोई भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपर्चर। तो देख लो कोई भी मतलब मिरर है, ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यही क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ये पूरा जो सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये पूरा सरफेस, ठीक है। और इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके रेडियस से, रेडियस बोल रहा हूँ, डायमीटर से, ठीक। डायमीटर, हाँ डायमीटर ऑफ, यस सर। कई किताबों में देखोगे तो डेफिनेशन ही ऐसे लिखा रहता है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर, परचर, हाँ ऐसे लिखा रहता है, ओके। और इसको मेजर कैसे करते हैं, उसके डायमीटर से, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है इसको अपर्चर बोलते हैं। अच्छा एक और चीज, ये मान लो ये सर्किल है तो इसका सेंटर होगा, हाँ सर्किल है तो सेंटर होगा ना। यस अब सर, देखो तो जो ये मिरर है इसका जो सेंटर होता है इसको हम लोग पोल कहते हैं, क्या कहते हैं, यहां मैं पोल, लिख दूं डायमीटर ऑफ मिरर। अब मिरर का मतलब कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन, हाँ वो भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो ऑफ मिरर, दोनों डेफिनेशन में से कोई भी लिखो नंबर भरपूर मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। पोल का क्या मतलब होता है ना, मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट ना कहा जाए, सर्किट, सेंटर कहा जाए तो ठीक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सर्किल टाइप है। सर्किल क्यों बोलोगी, यहाँ मिरर की बात हो रही है ना, किससे रिलेटेड हम लोग डेफिनेशन निकाल रहे हैं, मिरर से, है ना। तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट भी लिख दोगी तो गलत नहीं होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ व्हाट, मिरर, ठीक है, वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, राइट। अच्छा तुम जैसे ये देख रही हो, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, तुमको बहुत जान के बड़ा मतलब हैरत होगा, मैं जब 6 में था मेरे मेरी राइटिंग मेरे क्लास में सबसे खराब थी, अभी भी अच्छी नहीं है बट सबसे खराब थी, अब इतना बढ़िया है और ठीक लगता है देखने में, बहुत खराब नहीं लगता है लेकिन ठीक लगता है। तो ये जानते हो कैसे आया है, कैसे ठीक हुआ है, ये कैसे। प्रैक्टिस से। हाँ जब तुम किसी चीज के लिए मतलब कोशिश करते हो ना, बार बार एफर्ट लगाते हो, तो कभी कभी क्या होता है, तुम उस चीज में इंसान फेल होता है, मतलब बार बार करोगे, बार बार फेल होगे, फिर ट्राई करोगे, फिर फेल होगे, फिर ट्राई करोगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा तुम उसमें मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो वेट फॉर दैट टाइम, है ना, पुट योर हार्ड वर्क कंटिन्यूसली, समझे। अक्सर ऐसा होता है ना, सबको पता है, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट इन सबको इंसान को पता होता है कि हाँ हो, मतलब करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सब लोग उस फाइनल रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसका रीजन जानते हो क्या है, पेशेंस नहीं है इंसान के अंदर उस तरह के एफर्ट बार बार लगाने की, एक बार नहीं हो पाया तो दूसरे बार में छोड़ देंगे, अरे यार हमसे तो हो ही नहीं पाता है, सबकी यही कहानी है। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को देखता हूँ, है ना, वो चाहे मेरे कलीग रहे हों, है ना, चाहे मेरे दोस्त यार रहे हों, या फिर मेरे स्टूडेंट ही क्यों ना रहो, मैंने देखा है अक्सर ऐसा देखा, ऐसा हुआ है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेहनत करोगी ना कुछ अच्छा ही होगा। किस कलर का लेते हैं हम लोग, कौन सा कलर लें, ये वाला लें क्या, इसका सबसे हल्का फॉर्म लेते हैं हम लोग। वो दिखेगा हाँ दिखेगा रे, एकदम दिखेगा, कहाँ है तुम इसी चीज़ की चिंता कर रही हो। अच्छा अब देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहीं लिखने दो, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा सेंटर ना।
सेंटर हाँ ऑफ सर। कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे मान लो ये स्फेयर है, ठीक है, यहाँ से काटा गया और यहाँ से काटकर मिरर निकाला गया, तो इस स्फेयर का सेंटर तो होगा ना, हाँ तो यही सेंटर इस मिरर के लिए, इन दोनों मिरर के लिए, इस मिरर के लिए भी और इस मिरर के लिए भी, मान लो इधर से यहाँ से हम इधर पेंटिंग कर देते तो एक कॉनकेव मिरर बन जाता, और यहाँ से पेंटिंग कर देते तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। तो इन दोनों मिरर के लिए इस स्फेयर का जो सेंटर है, दैट विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर ऐसे कह लो, मान लो चलो हम कुछ ऐसे कोई स्फेरिकल मिरर लिए हैं, जैसे कॉनकेव लिए हैं, तो इससे एक इमेजिनरी स्फेयर हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो इमेजिनरी स्फेयर ड्रा हो रहा है, इसका जो सेंटर है ना, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको आर से, चूंकि स्मॉल आर से लिखते हैं, हाँ ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, दोनों टर्म में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। वन वर्ड में याद रखने का तरीका ये है। हाँ बोलो। बनाए हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ मेरी फ्रेंड है। अच्छा, मतलब फिर से बोलो सवाल अपना, फिर से बोलो सवाल इस अपना। सर्किल में आप पोल बनाए हाँ बोलो, तो सर्किल में पोल बनाए तो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी स्फीयर में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तुम्हारा मतलब ना, सर्किल तुम्हारा है आवाज ब्रेक हो दोनों रहा में है, क्या डिफरेंस। तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट, है ना, फिर से रिज्वाइन होके फिर से आओ, तो रिज्वाइन करो। रिज्वाइन होकर फट से आओ, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हुआ? हाँ बताओ, क्या बोल रहे थे? हेलो, सर आप सर्किल के अंदर पोल बनाए हैं ना। हाँ सर्किल के अंदर, ये सर्किल लेकिन नहीं, ये स्फेयर है, दिमाग में ये रखो, ये स्फेयर में बोला हूँ ना, वर्ड मैंने स्फेयर यूज किया है, एक इमेजिनरी स्फेयर हाँ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो मिरर है, इसको सामने से देखोगी तो ये सर्किल की तरह दिखेगा, ठीक है। ये तो स्फेयर, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ बार बार। हाँ समझ आ रही है बात? सर। हाँ, अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपली समझा रहा है तुमको कि ये सेंटर होगा, हाँ और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस, रेडियस क्योंकि डिस्टेंस होता है, एक डिस्टेंस होगा या लेंथ होगा कह लो, और अच्छा शब्द में, हाँ और ये पॉइंट है, ठीक है। तो डोंट बी यस कंफ्यूज, है ना, इसीलिए देखो मैंने ये जो पॉइंट है उसको मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, और जो डिस्टेंस है उसको मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। यही तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का फिजिक्स में, है ना। बाकी और भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हम चाहें तो कैपिटल से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, बट ना नॉर्मली जो रिप्रेजेंट किया था, स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग जो होता है, लेंथ को हम लोग स्मॉल लेटर से, है ना, और पॉइंट को कैपिटल से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो यस गया। अब देखो, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है? प्रिंसिपल हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो ये पीपीटी पे लिख के ना, राइटिंग मेरी इतनी खराब हुई है, कागज पे लिख रहे हैं ना, इतना खराब लिख रहे हैं कि क्या बताएं तुम लोगों से। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, क्या है, यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, हाँ, एक इमेजिनरी लाइन है।
है ना, विच पासिस थ्रू, जो कहाँ से पास होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, हाँ ऐसे, विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। टू पोल मतलब तक हो जाएगा, वहीं तक रुक जाएगा ना, टू वर्ड मत यूज करना। सेंटर ऑफ कर्वेचर सर एंड एंड पोल। पोल। अच्छा तो मान लो जैसे ये कोई मिरर है, ठीक, इसका पोल यहाँ होता है राइट, हाँ क्योंकि गोल अगर है ऐसे तो यहाँ पोल दिख रहा है, जब साइड से देखेंगे यहाँ साइड से तो ऐसे दिखेगा। अच्छा मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हाँ क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर पास होने वाला है कि इमेजिनरी लाइन, लाइन राइट। तो इस इन दोनों पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन पास होगा ना, नहीं, एक हाँ क्यों एक होगा, होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिट होगा ना। नहीं समझो। जैसे कोई दो पॉइंट है ना, हाँ, तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है। नहीं वो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है। यहाँ पर जो लाइन बात कर रहे हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, ठीक स्ट्रेट है, लाइन। और दो पॉइंट से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। लाइन तो इनफाइनाइट खींचा जा सकता है, तो तो ये जो स्ट्रेट प्रिंसिपल लाइन एक एक्सिस होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है ना, कि सिर्फ लाइन होता है, ठीक है, इसीलिए सिर्फ सिंगल प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करता है ना। यस। मैं यहाँ वर्ड ही लिख दे रहा हूँ, ओनली वन प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट, एक्सिस एग्जिस्ट का मतलब तो पता ही होगा। ओके आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा अब देखो फोकस है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है फोकस, जिंदगी में भी और मिरर में भी। फोकस एंड फोकल लेंथ, अब इसको कैसे समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई ऐसे रे रे हम लोग डाले यहाँ पर है ना, जो क्या हो ऐसे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस तो समझ में आता ही है, हाँ, इसके पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं ये पास होकर जाएगा, मतलब ये रे कहीं ना कहीं जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लो ये ऐसे जाती है, ये तरीका है, रूल है, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो जिस पॉइंट से हाँ, होकर गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस वही बोलते हैं, फोकस ठीक है। है। और जनरली हम लोग जो मिरर लेते हैं ना, उसका अपर्चर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा। अपर्चर छोटा होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो यफ वाला पॉइंट होगा, मतलब पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट से होकर जाती है, ये बेसिकली सी और पी मतलब प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। कब होता है, जब अपर्चर क्या हो, बहुत छोटा हो, हाँ उसी केस में। या फिर ऐसे कह सकते हो रे क्या हो, पैरेक्सियल हो। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मैं देखूँ मेरा नोट्स कहाँ है ना। पैरेक्सियल हो, क्योंकि एक फार्मूला लिखवाऊंगा जो बड़ा काम देगा। तो पैरेक्सियल होने का क्या मतलब है, रे पैरेक्सियल है, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेक्सियल होने का मतलब है ये जो रे आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास हो, ठीक है, ये नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल। हाँ रे पासिंग है ना नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज पैरेक्सियल रे। एक और यस। शब्द में समझाने की मैं कोशिश करूँ, मान लो ये जैसे सी और पी, ये क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मान लो 5 मीटर है, सर। हाँ ये 5 मीटर है अगर, तो ये जो रे है, ये जो रे है, और ये जो एक और कोई कलर ले लें दो, ये जो रे है, ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में एकदम कम होना चाहिए। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर मान लो आर जो 10 सेंटीमीटर है,
तो उस टाइम पे ये नहीं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में, हाँ रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, ये नहीं कि 5 सेंटीमीटर हो तो इसको पैरेक्सियल रे बोलेंगे। उस केस में ये जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना, रिलेशन बिटवीन फोकल फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो यफ बराबर आर बाई टू हम लोग पढ़ते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। यफ बराबर आर बाई टू इस केस में ये वाला 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिए, और ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस से 5 सेंटीमीटर ऊपर हो, उस केस में ये फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हम जो तरीका लगाएंगे वो मैं बताऊंगा। खैर यहाँ पे ये बताने का भी मोटो नहीं था, बस जस्ट है ना थोड़ा सा इंट्रो दिया हूँ, ताकि पैरेक्सियल बेसिकली मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, पैरेक्सियल और ये अपर्चर छोटा हो तो क्या मतलब है ना। जब अपर्चर छोटा होगा या रे यस पैरेक्सियल होगी है ना, तो ये जो सी और पी है ना, या फिर ऐसे कह लो आर है ना, ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी पी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या पी सी कह लो, हाँ इसका जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होगा इन दोनों केस में, अगर ऐसा हो या ऐसा हो। ठीक, फोकल लेंथ क्या है, ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, पहले यहां पर एक शब्द लिख दूं मैं इसके लिए, फोकस के लिए मिड पॉइंट ऑफ व्हाट आर, राइट, और फोकल लेंथ के लिए लिख दूं डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन कर लो है ना, बिटवीन शब्द यूज करें क्योंकि दो पॉइंट के बीच का है, वन तो है नहीं, रेफरेंस दो ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकस क्या है, एक पॉइंट है, और फोकल लेंथ क्या है, एक लेंथ है, क्या है, हाँ फोकल लेंथ क्या है, एक मतलब लेंथ है, या फिर डिस्टेंस कर लो। ठीक है, इससे कन्फ्यूज मत हो जाना, फिर से सुन लो, फोकस क्या होता है, रे कोई एक रे मतलब अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और इस फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब जैसे एक यहीं पे मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ है ना, कहीं और कहाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं इसके बारे में हम लोग, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हम लोग अपने किताब के हिसाब से बताएं तो यह बराबर आर बाई टू होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, और ये कब होता है, मैंने अभी जस्ट बताया है, रे पैरेक्सियल होना चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि ये जो अपर्चर है, वो छोटा होना चाहिए। हाँ शुड बी स्मॉल, और किसका अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, मिरर का, स्पेरिकल मिरर का हाँ मिरर का, जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर ये न हो तो, मतलब अगर जनरल केस लें तो क्या होगा, जैसे मान लो एक कोई रे है, ठीक है, एक कोई रे है, रे बोल रहा हूँ, मिरर है, ठीक, और कोई रे आ रही है कैसे, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और पैरेक्सियल, इसका अपर्चर बड़ा है बहुत ज़्यादा, और कोई रे ऐसे आ रही है, टकरा रही है, तो सी और पी तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये तो कहना ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी स्फेयर का ये जो सेंटर वो नहीं चेंज होगा, पोल का भी चेंज नहीं होगा, चाहे अपर्चर बड़ा हो या छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम आई राइट। अब यस मान सर लो ये जिस पॉइंट से होकर जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस फोकस कहते हैं। अब मान लो ये मिलाने पर है ना, इसको अगर हम लोग मिलाएं यहां से यहां है ना,
ये थीटा होना चाहिए, मान लो इसको ये थीटा है, ये बेसिकली इंसिडेंट, इसको एंगल मानो है ना, आई मान लो। अब सोचोगे ये क्यों आई है, क्योंकि ये जो इस स्फेयर बनेगा है ना, उसका ये रेडियस है, ये सी से लेकर यहाँ तक रेडियस है ना, और रेडियस है ना जो सर्कमफ्रेंस होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये क्या है, ये डॉटेड लाइन क्या है, नॉर्मल है, डॉटेड लाइन क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। हाँ सर, पता है कि नहीं पता है, पता है। तो एक फार्मूला निकल के आता है यहीं से, जब इसको डिराइव करेंगे हम लोग है ना, चूंकि वी हैव नॉट एज ना उतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको एक्सप्लेन करें है ना, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट अगर फोकल लेंथ निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। अब ये सेक थीटा क्या है ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, और ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें ना ये तो ना तुम ट्वेल्थ में पढ़ोगे ना कुछ पढ़ो कहीं और पढ़ोगे, ठीक है, अगर हो सकता है आईआईटी वगैरह के एग्जाम दो तो आईआईटी एडवांस एडवांस में इस पे सवाल वाल कराते हैं लोग टीचर, ठीक है, ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है ना, टेंथ लेवल में बात करें हम लोग है ना नॉर्मली, तो द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवेन बाई एफ इजकल टू आर बाई टू, वेयर है ना, जहाँ आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकल लेंथ, ठीक है, ये याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि इस पे सवाल बन जाता है एक दो नंबर का, पूछ देगा एक नंबर का सवाल एमसीक्यू में ही पूछ देगा या एक नंबर में ही पूछ देगा, नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छा, ढेर सारा टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई मिरर है, इस मिरर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, अपर्चर पढ़ चुके हैं हम लोग है ना, ये पोल पढ़ चुके हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ चुके हैं हम लोग, फोकस पढ़ चुके हैं हम लोग, और फोकल लेंथ भी पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके ना, अब कुछ yes, छूट रहा है याद करो, अब कुछ छूट रहा है क्या, सर हाँ अब नहीं छूट रहा, मुझे भी ये लग रहा है, एक फोकल प्लेन बता दे रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर प्लेन जो यहाँ फोकस से पास हो है ना, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है, ये प्लेन ये डंडा की तरह दिख रहा है ना, रियल में जब सामने से देखोगे तो ऐसे होगा, ऐसे प्लेन होगा, ठीक है, डंडा की तरह दिख रहा है, यानी कि ये साइड से देख रहे हैं है ना, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब देखो इमेज क्या होता है, थोड़ा सा बस इमेज पढ़ लेते हैं हम लोग, बाकी चीजें उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इमेज क्या होता है देखो, उस तरह से नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल देते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही बोलते हैं हम लोग ना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल भाषा में है, ये टेक्निकल और फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं है उतना, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए, कौन है भाई, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकल टर्म में नहीं है ना, और टेक्निकली इसको डिफाइन करना हो तो मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए, यहाँ से एक रे ऐसे निकलता है ना, एक रे ऐसे निकलता है, ये रिफ्लेक्ट होकर सीधे वापस लौट जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगा, राइट, ये दोनों रे एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ये कभी एक दूसरे को कट करेंगे क्या, नहीं कट करेंगे, no. लेकिन बैक ट्रेस करें, अगर ये रे जो जा रही है इसको बैक ट्रेस करें और इसको बैक ट्रेस करें,
ये लग रहा है कि यहाँ पर कट कर रही हैं, ऐसा सीम हो रहा है हम लोगों को, एहसास हो रहा है, फील हो रहा है ना, है कि नहीं? तो इसी सेकेंड पॉइंट को, इस फर्स्ट पॉइंट का क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। नॉइज आ रहा है, किसका माइक खुला? नॉइज आ रहा है, देखो नॉइज आ रहा है बाबू। तो इमेज क्या कहलाता है ना, किसी पॉइंट से अगर रे चले है ना, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस सेकेंड पॉइंट पॉइंट पे मिले या लगे कि मिल रहा है, उस सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, सिंपली ऐसे ही डिफाइन कीजिए। अच्छा, यहाँ पर रे रियल में नहीं कट किया, लेकिन एक और कंडीशन में बनाकर यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये पी है, ये सी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, रे ऐसे चलेगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे चलेगी, ऐसे निकल जाएगी, और रे एक दूसरे को यहीं पे काट रही हैं। तो यहाँ पर भी रे काट रही हैं, है ना, कोई और कलर लेने दो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रही हैं, है ना, रे एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन रे एक दूसरे को कैसे काट रही हैं, रियली में काट रही हैं इस सेकेंड पॉइंट पे। तो इसीलिए इस सेकेंड पॉइंट को, है ना, इस फर्स्ट पॉइंट का जहाँ से रे चली हैं, है ना, हम लोग इमेज कहते हैं। अब देखो, जब रियल में यहाँ पर काट रही हैं तो रियल इमेज, यहाँ रियल में नहीं काट रही हैं, वर्चुअल, वर्चुअली हमको एहसास हो रहा है, इसीलिए वर्चुअल इमेज। ठीक है, बात समझ में आई क्या? हाँ, तो एकदम सिंपल तरीका है कि किसी एक पॉइंट से रे चले और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जिस दूसरे पॉइंट पे मिले या लगे कि मिल रहा है, उस दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट का क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अगर रियल में मिल रहा है तो रियल इमेज, अगर रियल में नहीं मिल रहा है, वर्चुअली मिल रहा है, तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, बस बात खत्म। आगे का क्लास इसका, ये जो लाइट वाला है, फिजिक्स वाला पार्ट, हम लोग कल करेंगे। ठीक है।